सो गाइस, ये कुछ कार थी, लगभग 14-15 कार्स थी ये, जिनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको काफ़ी लो पड़ेगी अगर आप इन गाड़ी को खरीदते हो, और आपको रिग्रेट फील नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर हम जाते हैं 5 साल से फिर 10 साल के लिए, तो उसमें मेंटेनेंस जो कॉस्ट है जो मैं बताऊंगा उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है बिकॉज। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम कुछ ऐसी गाड़ियों की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जिनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है अपने इंडिया के अंदर। जैसे अभी मैं बात करूं इसकी, टाटा सफारी स्टॉर्म की, तो ये मैंने ली है अपने शौक के लिए, क्योंकि मुझे ये टाटा सफारी ना पसंद थी लगा। लेकिन अगर मैं इसके मेंटेनेंस की बात करूँ ना, तो इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। तो इसको ये सोच के ही ले सकते हैं कि भाई मेंटेनेंस इसका कम पड़ेगा, या फिर उन गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गाड़ियां शेयर करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि भाई हमारी गाड़ी खरीद तो ली है, उसके बाद में मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ना पड़े, और डेली रनिंग वाली गाड़ियाँ हैं उनकी। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं गाड़ियों की बात करेंगे जिनका मेंटेनेंस ना आपको काफ़ी कम पड़ता है खरीदने के बाद। पहले शुरू के 1 से 5 साल तक का, 0 से 5 साल तक का हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना मेंटेनेंस पड़ता है, एवरेज सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी आ जाती है इन गाड़ियों की। तो अभी सबसे पहले जो बात करते हैं भाई, जिसकी सर्विस कॉस्ट जो है सबसे कम आती है, तो उसमें सबसे पहले जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रेनो की क्विड, जिसकी सर्विस कॉस्ट 5 साल तक की जो लगभग पड़ती है 10 से 11 हज़ार के आसपास पड़ती है, जिसमें आपका मतलब एवरेज सर्विस कॉस्ट इतना आ जाता है पूरे 5 साल तक। तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है इस कार का। सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा रेनो की ट्राइबर की, 7 सीटर में अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 7 सीटर कार चाहिए, तो इसकी जो 5 साल तक की कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम पड़ती है। आप मान के चलो 13 से 14 हज़ार के बीच में लगभग इसकी कॉस्ट आती है, हो सकता है इससे भी कम आ जाए, डिपेंड करेगा आप कैसे इसको रन कर रहे हो। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पे ली है ह्यूंडई की ग्रैंड i10 न्योज। भाई इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है इस गाड़ी की भी, और इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट अराउंड 5 साल तक की जो पड़ेगी आपको 15 से 16 हज़ार के बीच में पड़ जाती है। इसके बाद में नंबर आता है अगली कार का, जो भारत में मतलब अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में आती है, मारुति सुजुकी की एल्टो K10। भाई इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ती है आपको, अगर एक हिसाब से हम देखें तो लगभग 17 हज़ार के आसपास इसकी 5 साल तक की एवरेज सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है। और इसके साथ में अगर आप एस्प्रेसो को देखोगे तो उसका भी लगभग सेम ही मेंटेनेंस पड़ेगा। उसके बाद में हम अगली जो गाड़ी की बात करेंगे वो है मारुति सुजुकी की वैगन आर, सेम सर्विस कॉस्ट इन तीनों गाड़ियों की ऑलमोस्ट पड़ती है, चाहे आप एल्टो की देख लो, चाहे आप एस्प्रेसो की देख लो, चाहे आप वैगन आर की देख लो, तो ऑलमोस्ट 17 हज़ार के आसपास इनकी सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो अगली जो गाड़ी ली है वो मैंने ली है मारुति सुजुकी की बलेनो। तो मारुति सुजुकी की जो बलेनो है उसकी सर्विस कॉस्ट अराउंड पड़ती है 18 से 19 हज़ार के आसपास 5 साल तक की। और साथ में अगर इसके साथ में दूसरी गाड़ी की बात करें तो वो है मारुति सुजुकी की डिजायर। भाई आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो टैक्सी में आपको गाड़ी मिलेगी वो डिजायर मिलेगी, जो डिजायर टूर करके आती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है, बहुत लो मेंटेनेंस इस गाड़ी का पड़ता है। इसका सर्विस कॉस्ट भी अराउंड 18 से 19 हज़ार के बीच में पड़ता है 5 साल तक का, इसीलिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है टैक्सी में। अब हमने बात करी टैक्सी की, तो मारुति सुजुकी की डिजायर की हमने बात कर ली, लेकिन मारुति सुजुकी की अर्टिगा को कैसे हम भूल सकते हैं? भाई इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है, 7 सीटर में आपको ये गाड़ी मिलती है, और सबसे मतलब बेस्ट है ये अगर आप टैक्सी में चलाना चाहते हो, अपना बिजनेस रन कर रहे हो। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो पड़ता है लगभग 20 से 21 हज़ार के आसपास पड़ता है शुरू के 5 साल का, तो ये भी एक मतलब बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है इंडियन मार्केट में। इसके बाद अगली जो गाड़ी है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको काफ़ी कम पड़ेगी वो है टाटा की टियागो। लगभग 23 से 24 हज़ार के बीच में इसका 5 साल तक का खर्चा आ जाता है। एक अच्छी हैचबैक आपको मिलती है और दमदार गाड़ी है, प्लस अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी में आपको मिलती है। अब इसके अगली गाड़ी की बात करते हैं, तो ये हम आते हैं अब कॉम्पैक्ट एसयूवी पे। तो अगली जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो है टाटा की नेक्सन। भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी में इस गाड़ी का जो एक अलग बोलबाला है, हर कोई आज जानता है भाई टाटा नेक्सन के दम पे टाटा मोटर्स कितना आगे बढ़ चुका है। तो टाटा नेक्सन की जो सर्विस कॉस्ट है वो
लगभग 24 से 25 हज़ार के आसपास पड़ती है, बहुत ही किफ़ायती पड़ जाती है एक अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से देखते हैं तो इस गाड़ी को। अब इसके बाद अगली गाड़ी की अगर हम बात करें तो भाई इस गाड़ी को हम भूल नहीं सकते हैं, यह है सेडान जो है होंडा की अमेज़। भाई इस गाड़ी का जो पेट्रोल और डीजल दो इंजन आते हैं, तो पेट्रोल में अगर हम इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट देखते हैं तो लगभग 27 हज़ार के आसपास आपको पड़ेगी, और डीजल में वहीं पे ये 30 हज़ार के आसपास पड़ेगी 5 साल की सर्विस कॉस्ट। लेकिन एक दमदार कार है और इंडियन मार्केट में बहुत पसंद की जाती है ये गाड़ी। अगर अमेज की बात कर रहे हैं तो हम भूल नहीं सकते हैं होंडा सिटी को। भाई एक अलग ही फील आता है इस गाड़ी में बैठ के, और जो इस गाड़ी को चलाता है वो जानता है भाई इसका चलाने का क्या मज़ा है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी जो है आपको लगभग अगर हम और गाड़ियों से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी पड़ जाती है। आपको लगभग 26 से 27 हज़ार पेट्रोल इंजन में इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है शुरू के 5 साल की, और डीजल में आपको लगभग 32 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये भी मतलब एक काफ़ी अच्छी सेडान कार है जो इंडियन मार्केट में एक अपना दमखम बना के रखती हैं। अब अगली जो गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है हुंडई की क्रेटा। भाई एसयूवी लेवल की कार है एक, और आप विश्वास नहीं करोगे इसकी सर्विस कॉस्ट जो है मुझे लगता है जितनी भी एसयूवी कार्स हैं उनमें सबसे कम इसकी पड़ेगी इसके लेवल की कार्स की। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट अराउंड 5 साल की पड़ती है वो पड़ती है 30,000 के आसपास, 30,000 to 31,000 के आसपास पड़ती है, जो कि काफ़ी लो है एक एसयूवी लेवल की कार के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके बाद अगली गाड़ी की, तो भाई ये भी मारुति सुजुकी की ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और अगर इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं तो लगभग 32,000 के आसपास पड़ती है, 32 से 33,000 के आसपास पड़ती है शुरू के 5 साल की। कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से ठीक है, बट ठीक है फिर भी क्योंकि ये गाड़ी मार्केट में काफ़ी चलती है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से इसको भी मैंने सोचा है कि भाई इसको भी एक लिस्ट में रखते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी को। क्यों सो गाइस, ये कुछ कार थी, लगभग 14-15 कार्स थी ये, जिनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको काफ़ी लो पड़ेगी अगर आप इन गाड़ी को ख़रीदते हो, और आपको रिग्रेट फील नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमें बाद में ये चीज़ पछतावा होता है, हम गाड़ी ख़रीद लेते हैं और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई पड़ती है, तो फिर हमें थोड़ा सा ना वहाँ पर रिग्रेट फील होता है कि यार काफ़ी खर्चा करा रही है गाड़ी। लेकिन इन गाड़ियों में से अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ थी वो मारुति सुजुकी की थी, तो और सब जानते हैं मारुति सुजुकी की जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी अच्छी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता ख़रीदने के बाद में, काफ़ी मेंटेनेंस हल्का है उसका। लेकिन अगर हम बात करें इन अब 5 साल से 10 साल की जो सर्विस कॉस्ट होगी उसकी, तो वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा पड़ेगी आपको जो ये मैंने डिस्कस करी है उसके। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखना, शुरू से 5 साल में हमेशा सर्विस कॉस्ट जो है आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कभी काफ़ी कम पड़ती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम डबल हो जाती है अगले 5 से 10 साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो आप अगर नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी भी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।